जिस कमेटी के आप चेयरमैन हैं मिस्टर खरगे, जिस कमेटी के आप चेयरमैन हैं उसी कमेटी के रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं, आप ही की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं कि नीरव मोदी कैसे पैदा हुआ। नीरव मोदी 2010 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस बैंक में उसका खाता था, जहां से कि एलओयू का धंधा होता था, आरबीआई का एक अधिकार होता है कि वो सारे बैंक के ब्रांचेस को देखे। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहे, वो तो पब्लिक अकाउंट्स के। उसके बाद भी कभी भी 2010 से लेके 2014 तक कभी भी आरबीआई, क्योंकि आपके बनाए हुए लोग थे, आप उस तरह की चीजें चाहते थे। और इसके बाद चुनाव के समय जो इन्होंने किया नीरव मोदी के साथ, ये मैं आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट बता रहा हूं। जून 3, 2013, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम डायरेक्टेड दैट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शुड बी अमेंडेड टू प्रोहिबिट द अबव ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंपोर्टिंग गोल्ड एक्सेप्ट फॉर वेरी नैरो लिमिटेड पर्पस। जून 3, 2013 को उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा कि अब कोई गोल्ड इंपोर्ट नहीं होगा। सरकार भी नहीं था। जून 3, 2013 की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि अब कोई गोल्ड इंपोर्ट नहीं होगा। एग्रीड, गोल्ड का दाम बढ़ रहा था, यहां गोल्ड का स्मगलिंग हो रहा था, बहुत बढ़िया काम किया सरकार को, करना ही चाहिए था। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, तेल का दाम बढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात कह दी। इसके बाद जून 4, 2013, एक दिन के ही बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आरबीआई केम अप विद गाइडलाइंस वेयर बाय इंपोर्ट ऑफ गोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस बाय बोथ नॉमिनेटेड एजेंसीज एंड बैंक्स परमिसेबल ओनली टू मीट द नीड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनके लिए ही, मतलब 3 तारीख को यह फैसला किया सरकार ने, 4 तारीख को आ गया, बहुत अच्छा बात हो गया। इसके बाद 10 दिन के बाद क्या खेल हुआ कांग्रेस के समय, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको इस देश ने हटाया, यदि इस देश ने माना कि आप भ्रष्टाचार वाली पार्टी हो, तो उसके कुछ तो रीजन होंगे ना। ये कागज है और मिस्टर खरगे ही उसके चेयरमैन है, उन्हीं की कमेटी का यह है सर। इन्होंने कहा जून 13, 2013, ए मीटिंग वॉज कॉल्ड विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल द नॉमिनेटेड एजेंसीज डिजिग्नेटेड बैंक्स इंपोर्टिंग गोल्ड शैल हैव टू मीट लॉट वाइज ए रेशियो ऑफ 20-80 बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। 10 दिन के अंदर पॉलिसी बदल गई। मतलब आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि क्या कारण था कि जून 3 को बंद कर दिया, क्या कारण था कि जून 13 को खोल दिया। और इसके बाद जून 21, 2013, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव 2080 स्कीम ऑन 21 जून 2013। 10-12 दिन के अंदर सारा खेल हो गया। जो कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए पैसा चाहिए था वो सब मिल गया और पूरी की पूरी स्कीम बदल गई। इसके बाद एक और आगे बड़ा ये है सर कि जनवरी 30, 2014 चुनाव की घोषणा हो गई थी। ए मीटिंग वॉज कॉल्ड विच वॉज अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द आरबीआई, डीजीएफटी, डीजीईपी, सीबीएसई, वेर इन इट वॉज डिसाइडेड दैट द रिक्वेस्ट ऑफ एसटीएच स्टार ट्रेडिंग हाउस एंड पीटीएच प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस फॉर देयर इंक्लूजन इन 2080 स्कीम में बी कंसिडर्ड आफ्टर एसेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड लाइकली टू बी इम्पोर्टेड बाय देम। मतलब आप ये समझें कि एक नया सवाल हो गया कि हम जो है अपने लाइफ में कुछ स्टार ट्रेडिंग हाउस को, कुछ प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस को गोल्ड इंपोर्ट करने की इजाजत दे देंगे। और गोल्ड इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई सर मई 13, 2014। अलार्मिंग डेट, डेट सुनिएगा उपाध्यक्ष महोदय, मई 13 चुनाव खत्म हो चुका था, मई 16 को जो है रिजल्ट आने वाला था। ये वित्त मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये एक सवाल था। और उन्होंने कहा कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गिव्स हिज अप्रूवल फॉर इंक्लूजन ऑफ एसटीएच पीटीएच फॉर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड अंडर 2080 स्कीम। कागज झूठ नहीं बोलता, कागज झूठ नहीं बोलता। आपने जो है, और इसके बाद मई 15, 2014, डीए राइट आरबीआई टू अमेंड 2080 स्कीम टू अलाउ गोल्ड इंपोर्ट बाय एसटीएच पीटीएच। एंड मई 21 सरकार, हमने 26 मई को सर हमारे लोगों ने शपथ ली, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार 26 मई 2014 को बनी। 21 मई को, क्योंकि आपके हाथ के उठाए हुए आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वित्त मंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ये पॉलिसी डिसीजन है, उनको पूछना है। और मई 21 को आरबीआई इशू एपी डायरेक्ट सर्कुलर टू अमेंड 2080। नीरव मोदी पैदा करो आप, कागज बनवाओ आप, आरबीआई जो है जांच नहीं करे वो आप, और नीरव मोदी पैसा यदि डुबा दे तो हम दोस्त।